तू पागल हो गया है। ओए पाई पाई दा खून बहेगा, वो भी इस कुड़ी लाई। ओए तू जे मत भूल, ये मुसलमानी है, मुसलमानी। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबिया होगी सिगनी। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, या फिर नल उखाड़ने वाला सीन हो। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लगभग हर सीन पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। वो ये दौर था जब दर्शक सनी देओल की आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि जब जब सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ विलन पर पड़ता था तो फैंस को कुछ ज्यादा ही मजा आता था। सनी और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसने सिनेमाघरों में खूब गदर मचाई थी। उस फिल्म की सफलता का पैमाना इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, इस फिल्म की चर्चा रिलीज से पहले ही हो रही थी, और जब सिनेमाघरों में लगी तो जो हुआ उससे कोई अनजान नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी कम ही लोगों को पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक रियल स्टोरी पर बनी फिल्म है। सनी देओल की यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा, जिसे अब तक म्यांमार कहा जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले एक फौजी जिसका नाम बूढ़ा सिंह है की कहानी है। बूढ़ा सिंह की सच्ची लव स्टोरी और बंटवारे की पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, मगर फिल्म का अंत असलियत में काफी अलग है। असली में बूढ़ा सिंह की पत्नी के घर वालों ने लड़की पर इतना दबाव डाला कि उसने हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बूढ़ा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिल्म गदर एक प्रेम कथा बनाने का आइडिया सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था, और उन्होंने ही अनिल शर्मा को ये कहानी सुनाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने की ठान ली। चलिए इस फिल्म के बारे में एक और अनसुनी बात आपको बताते हैं, और वो ये है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार अंत में अमीषा पटेल को गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन शूटिंग के वक्त सनी देओल ने क्लाइमेक्स बदल दिया। जब इस बारे में सनी देओल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी में सकीना की गोली लगने से मौत होनी थी, मगर जब फिल्म की टीम ने इस बारे में सोचा तो लगा कि इस बात से दर्शक नाराज हो सकते हैं। हमें लगा कि कहीं लव स्टोरी के ऐसे अंत से गदर ही न मच जाए, इसलिए हमने फिल्म का अंत बदलकर हैप्पी एंडिंग कर दिया। वही फिल्म जितनी बेहतरीन और एंटरटेनिंग थी, उतना ही इसका संगीत भी शानदार रहा। आनंद बख्शी के लिखे और उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने खूबसूरती से कंपोज किया। गदर एक प्रेम कथा के गाने इतने हिट हुए थे कि उस साल फिल्म के म्यूजिक की 25 लाख यूनिट बिकी थी। गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असली घटना से प्रेरित थी? आइए हम आपको बताते हैं बूटा सिंह की पूरी कहानी। बताया जाता है कि एक दिन बूटा सिंह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। वह लड़की दौड़ती भागती बूटा सिंह से मदद मांगती है, और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चढ़ पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है, और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है, और यह पता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मित्रता के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह न कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर के मियाँ साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा सिंह की मजार मौजूद। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसे एक नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान लेने चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया।
कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई थी ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी, लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की, इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रूप रौद्र पर्दे पर देखा, उसने मेरी एक अलग ही छवि बना दी थी। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने से भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों को ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, यह कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश के बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। वह लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उसकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत में एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और वह पाता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह न कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर में मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। 19 साल पहले न मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमाघर होते थे और ना ही इतने सोच के जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले ही दिन देखना चाहें तो सबको टिकट मिल जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव का माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी। पहले शिला थिएटर में लगान देखी और फिर वहां से भागकर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाज्मा सिनेमाघर, जहां हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक को जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी। जितने लोग सीट पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमाघर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था।
15 जून 2001 को रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बायोस्कोप की फिल्म है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 19 साल पहले ही इतनी ही बेरहम हुआ करती थी। एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फोन आया कि सनी देओल से शाम को मीटिंग फिक्स हुई है। मैं तब दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर साथ साथ सनी देओल की बहन के घर सैनिक फार्म पहुंचे। वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातें की। मुझसे सनी बोले, आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म की कहानी का भी इतना सा इशारा उन्होंने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है। यह फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बोटा सिंह की प्रेम कहानी पर। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर दोनों नए नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बोटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसे वापस भारत आने से मना कर दिया गया। कहते हैं बोटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखन शक्तिमान को आया। शक्तिमान ने बोटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई। अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो लेकिन वह मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई एक कहानी। अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बीआर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों काम किया। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों के रूप में सोशल ड्रामा ही बनाई है, लेकिन उनके एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत से। हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान ए जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी। गोविंदा को पसंद भी बहुत आई, लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे। ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म एक गदर प्रेम कथा के अंत में बोटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म में हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं, फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। फिल्म गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सनी देओल का किरदार तारा सिंह और उसके संवाद इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि फिर लोग सनी देओल को इसी तरह से गुस्सैल किरदार में ही देखना चाहते थे। खुद सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी इस फिल्म से। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया था। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्म के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा था उसने मेरी एक अलग छवि ही बना ली। इस फिल्म से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने करने में भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। फिल्म का संगीत भी अपने समय में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। आनंद बख्शी ने दिल खोल कर इसके गाने लिखे और उतना ही झूम के इसका संगीत बनाया। उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने इस फिल्म से पहले उत्तम सिंह यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है का संगीत दे चुके थे। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म बिरजारा शायद आपने देखी होगी।
फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहाँ वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी बेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुसरतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है पर आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको बीरजारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म बीरजारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहां आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल कर बीरजारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था। क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया।
बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असमा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकेंड के इस सीन में एक भी रिटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जिन्हें दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों के मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर CEO काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज़ से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक वीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, वीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे, तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था,
लेकिन बड़े बैनर बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे, हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदि चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगनीस ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल धोड़ता है की एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुने दशकों पहले अपने पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी, और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब बीरजारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि बीरजारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन दोनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म बीरजारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कलजी रोमांटिक फिल्में बीरजारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में बीरजारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, बीरजारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नजरिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि यश चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप यश चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहां सभी को बर्बरी का दर्जा दिया जाता है, और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी बीरजारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। बीरजारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अदिति माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे बीरजारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा, और फिर जब वह सेट पर आए तो मौनो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए एक से ज्यादा बार इस सीन का टेक दिया, और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।
बीरजारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस जारा को अपने बीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की यह जारा है सुधा और उनके बीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और मैं दोबारा समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहता हूँ। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की जारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब जारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर जारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें जारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर जारा को अपने बाऊजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर जारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। जारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर जारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो राजा उन्हें वहाँ मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो राजा के सामने जारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जारा राजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर जारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में जारा के पिता को वीर के अचानक आने से और जारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर जारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। जारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन राजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्जाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद समया सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। समया भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें जारा मिलती है, जो कई साल से सबों के साथ वही रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। सामया उन्हें सच्चाई बताती है और वो सामया के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और जारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गदर मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रोचक जानकारियां जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इसमें संगीत दिया था उत्तम सिंह ने। मूवी 186 मिनट की थी और भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दूसरी फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अगर बात करें कहानी की तो ये तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है, जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं है, बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है।
तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर में ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं। जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी वो अब भी जिंदा हैं। वह अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करते हैं और वो उनके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहाँ जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 साल रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वह दोनों शर्त मान लेता है। उसके बाद वह तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वह सच्चा पाकिस्तानी है या नहीं। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर में उसे मारने वाला होता है, उसे मार देता है। वह तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठकर जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी संगीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं निकला गड्ढी लेके, जिसके गायक थे उदय नारायण। दूसरा सॉन्ग था उड़ जा काले कौवा, जिसे गाया था उदय नारायण ने। तीसरा सॉन्ग था आन मिलो सजना, जिसे गाया था आजाद चक्रवर्ती और परवीन सुल्तान ने। चौथा सॉन्ग था मुसाफिर जाने वाले, जिसे गाया था उदय नारायण और प्रीति उत्तम सिंह ने। पाँचवा सॉन्ग था पारंपरिक शादी गीत, जिसे गाया था प्रीति उत्तम सिंह ने। छठा सॉन्ग था उड़ जा काले कौवे शादी में, जो कि था इसे गाया था उदय नारायण और अलका याग्निक ने। हम जुदा हो गए, जिसे गाया था प्रीति सिंह और उदय नारायण ने। इस तरह कुल साउंड ट्रैक जो था वो था 38 मिनट 15 सेकंड का। अगर बात करें पुरस्कार और नामांकन की, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल को दिया गया था। संसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। वार्षिक फिल्म गोर्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल को दिया गया था। संसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने विशेष पुरस्कार पुरुष सनी देओल को दिया गया था। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल को मनोनीत किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नीति केनी को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार अनंत बच्ची को दिया गया था। फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड्स अमरीश पुरी को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्लैक पुरस्कार उदय नारायण को दिया गया था। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा को दिया गया था। IIF सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। IIF सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी को दिया गया था। इसी तरह बहुत सारे अवार्ड इस मूवी ने जीते थे। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा यानी अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली।
बाद में लड़की के निशा खत्म होने पर उसे नए नए बने पाकिस्तान भेज दिया जाता है। बोटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला जाता है बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ता है, उसे वापस भारत आने से मना कर दिया जाता है। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैला रही थी। ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई यह कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह कहानी सुनी थी। सनी देओल बताते हैं कि हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल, मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह फिल्म बनी और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मार जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने के बाद सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने अपने में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत करने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर नजर आया था। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिससे हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छाप बना ली थी। इस छाप से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार मैंने करने से भी कामयाबी पाई थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ खींचकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड्स फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोहनी। कुमार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माफिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। माहिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो वह उसने सोहनी को फटकारा। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी माहिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की मां ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी, उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर माहिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकात होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती है और दोनों घंटों प्रेममग्न होकर बैठे रहते हैं। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी वह अपने प्रियजन से मिलने की झलक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर
पैर लटकाए महिवाल सोनी का इंतजार कर रहा था। जब सोनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, उसकी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्होंने अपने जाल में सोहनी महिवाल के अवध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। कहानी की हीरोइन सोहनी नाखुशी से उस इंसान से शादी कर लेती है जिसे वह नहीं चाहती थी। इसलिए वह हर रात मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पर तैरती है, जहां उसका प्रिय भैंसों के झुंड को चरा रहा था। लेकिन एक रात उसकी भाभी ने मिट्टी कर बर्तन को पानी में घुलने वाले बर्तन में बदल दिया, और जब सोहनी उस रात तैरने गई तब वह बर्तन पानी में घुल गया और महिवाल उसमें डूब कर मर गई। यह कहानी हमें साहस, जो रिसालों और सिंध की मुख्य 7 प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद का समय, एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आ जाती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार रहती थी। बुखरा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बैग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में रुका था, जहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बैग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बैग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बैग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था, और तभी से कुछ समय बाद वह महिवाल के नाम से जाना जाने लगा। सोहनी और महिवाल का प्यार भी कुम्हार समुदाय में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया था। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठा कर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास चिनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब महिवाल ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा काटकर उसे भुना दिया था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इसलिए फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है, और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उसकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई, और दोनों ने मिलकर यह बात महिवाल को बताने की बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाले मिट्टी के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से महिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए महिवाल भी पानी में कूद गए थे, और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए।
इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में देखने को मिलता है, जहां माना गया है कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखते थे और इंडस नदी के पश्चिमी तट पर रहते थे। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब वह एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के सहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और महिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सदहपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा, लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेमी युगलों पर भी कविताएँ बनाई है। सोहनी महिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मेनू यार मिला गदया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी महिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उसकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट शोभा सिंह द्वारा सोहनी महिवाल की बहुत सी तस्वीरें पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। पंजाब राज्य में हमें सोहनी महिवाल की कहानियों के फोक वर्जन भी दिखाई देते हैं। 4 हिंदी फिल्म वर्जन जिनका नाम सोहनी महिवाल की कहानी के आधार पर रखा गया है, 1933 में गौहर नरकटी मास्टर, चेनार शिवरानी और मास्टर क्रांत। दोस्तों आज हम बात करेंगे राइट या रॉन्ग मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, तो आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ज़्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती, उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में ज़बरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। अगर वह फिल्म के मध्यांतर के पूर्व हिस्से को भी बेहतर लिख लेते तो यह एक उम्दा फिल्म बन सकती थी। सनी देओल के अभिनय का स्तर एक जैसा नहीं रहा। कुछ दरअसल उन्होंने बेमन से किए, मानो उन्हें कोई रुचि ही नहीं है। बैक प्रॉब्लम के कारण वे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और थुलथुले हो गए हैं। लूज शर्ट टी शर्ट पहनकर उन्होंने मोटापे को छिपाने की कोशिश की थी। इरफान खान सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उन्हें ज़्यादा मौके दिए जाने थे। कोंकड़ा सेन जो रोल निभाया है वो उनके लायक नहीं था। सनी और उनके रिश्ते को भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ईशा कोप्पिकर और अन्य कलाकारों का अभिनय औसत है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करना बेकार है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी औसत है। आइए जानते हैं राइट या रॉन्ग की फुल स्टोरी। अजय श्रीधर यानी सनी देओल और विनय पटनायक यानी इरफान खान दोनों ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों पुलिस में रहते हैं और साथ में अपराधियों को पकड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही अपराधियों को पकड़ते समय दुर्घटना में अजय जख्मी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वह अब चल नहीं सकता। इसके बाद वह पुलिस से सेवानिर्मित हो जाता है। कुछ दिनों बाद यह पता चलता है कि उसने अपने भाई और पत्नी को गोली मार दिया। इस पर अजय बोलता है कि उसे लगा था कि रात को कोई चोर आया और उससे बचने के लिए उसने गोली चला दी थी। उसका दोस्त इस बात को नहीं मानता है और अपने ही दोस्त के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। उसे कई सबूत भी मिल जाते हैं जिससे वह न्यायालय में इस मामले को ले जाता है।
लेकिन राधिका पटनायक यानी कोंकड़ा सेन शर्मा को अजय के ऊपर भरोसा रहता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद विनय अदालत में अजय के खिलाफ कई सबूत पेश करता है और राधिका भी उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कई सबूत पेश करती है। इसके बाद विनय उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन द्वारा जांच के लिए बोलता है और उसमें भी यही सामने आता है कि अजय निर्दोष है। न्यायालय उसे इस मामले से बाहर कर देती है। इसके बाद विनय को अपनी का एहसास होता है। वह अजय से क्षमा मांगता है। अजय उसे एक चिट्ठी दे देता है और दूसरे देश के लिए हवाई जहाज़ के ओर जाते रहता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसने ही अपनी पत्नी और भाई को मारा था, लेकिन अपने बच्चे के मोह के कारण वह अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता है। उसने इसके बाद लिखा कि वह जब चलने लगा तो वह अपने परिवार को यह सुसमाचार देने घर में बिना किसी को बताए ही आ गया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और भाई एक ही बिस्तर में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे और उससे आज़ादी पाने की योजना बना रहे थे। उसके बाद वह उन दोनों को आज़ादी देने के लिए अपने आप को ही मारने वाला था कि उसके बच्चे का चेहरा उसके सामने आ गया और वह रुक गया। इसके बाद उसने उन दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई जिससे उन दोनों को बीमा का पैसा मिल सके। वह दोनों पहले उसे मारने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में दोनों ही तैयार हो गए। उसके तहत उन दोनों को एक स्थान से बंदूक खरीदना था और फिल्म देखने के नाम पर एक स्थान पर जाके कुछ ही समय में वापस घर में आना था। जैसे ही वह दोनों घर आते हैं, अजय दोनों को एक एक करके मार देता है। विनय पूरी तरह से चिट्ठी पढ़ने के बाद सोचता है कि क्या यह सही है या गलत, और उसके बाद वह अजय को जाने देता है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें सनी देओल अजय श्रीधर का रोल निभा रहे हैं, इरफान खान विनय पाठक का रोल निभा रहे हैं, ईशा कोप्पिकर अंशिता अंशु श्रीधर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी के निर्माता हैं नीरज पाठक, कृष्णन चौधरी इसके निर्देशक हैं नीरज पाठक। इसमें संगीत दिया है मोंटी शर्मा ने। इसके कलाकार हैं सनी देओल, ईशा कोप्पिकर, इरफान खान, कोंकड़ा सेन शर्मा, किरण खेर, दीपल शाह, गोविंद नामदेव। राइट और रॉन्ग की कहानी दो पुलिस वालों अजय सिंह यानी सनी देओल और एसीपी राड यानी इरफान खान के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्वता है जो उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई आरंभ कर देती है। अजय की पत्नी ईशा कोप्पिकर की हत्या हो जाती है। शक की सुई अजय की ओर इशारा करती है और उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब मामले की जांच का जिम्मा राड़े को सौंपा जाता है। विद्या यानी कोंकड़ा सेन शर्मा राड़े की छोटी बहन है और मुसीबत में फंसे अजय की मदद करने वाली एकमात्र शख्स है। अजय और राड़े की लड़ाई तेज हो जाती है। इस मामले की छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, लेकिन राज नहीं खुल पाता। यह खेल दिमाग से खेला जा रहा है। तेजी से भागती इस थ्रिलर फिल्म में क्या राइट है और क्या रॉन्ग, इसका फैसला दर्शकों को करना होगा। राइट या रॉन्ग इज ए 2010 इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक, स्टारिंग सनी देओल एंड इरफान खान इज द लीड रोल्स। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया हु लेटर बिकम्स अ स्ट्रांग रिबेल। इट ऑल्सो स्टार कोनिका सेन शर्मा, ईशा कोप्पिकर, आर्यन वैद एंड गोविंदा नायडु। द फिल्म वॉज शोड इन फिल्म सिटी एंड रिलीज ऑन March 12, 2010 अंडर द बैनर ऑफ इरोज नाउ। द फिल्म हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्लॉट पॉइंट्स टू द 1995 हॉलीवुड फिल्म अबव सस्पेंस 1995 फिल्म। डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक, प्रोड्यूसर्ड बाय नीरज पाठक, कृष्णा चौधरी, स्क्रीन प्ले बाय नीरज पाठक, संजय चौहान, स्टोरी बाय नीरज पाठक, स्टारिंग सनी देओल, इरफान खान, कोंकड़ा सेन शर्मा, ईशा कोप्पिकर, आर्यन वैद। म्यूजिक बाय मोंटी शर्मा, सिनेमाटोग्राफी बाय रवि वलिया, एडिटिंग बाय अशफाक मैकरानी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अकुन पिक्चर पीडित लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, रिलीजेड डेट March 12, 2010, रनिंग टाइम 135 मिनट, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। द फिल्म हैव रिसीव्ड मिक्सड रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स। मलयालम शेखर ऑफ हिंदुस्तान टाइम एंड रिव्यू मैसेड ऑफ IVN हैव पिनड द मूवी। होल निखत खजमी वॉच टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ट्रेन आदर्स ऑफ DNA रेटेड इज अबव एवरेज। द फिल्म रिव्यूज हैव ओवरऑल रेटिंग ऑफ 5/10। एज ऑफ 28 March 2010, इट वॉज द सरप्राइज हिट ऑफ द ईयर इवन थो IPL वॉज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कई बार ज़्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती, उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती।
कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। दोस्तों, वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले, आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिजु शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लॉगहेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। भात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है, जो वर्तमान में कैनडा में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे आजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है, इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति के आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए, जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है।
वह उन्हें बताते हैं कि यहाँ अजगर कैन्या में एक सम्मानित नागरिक है। वह उन्हें बताते हैं कि यहाँ अजगर कैन्या में एक सम्मानित नागरिक है, इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं। सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है, लेकिन फिर लड़का ने अपनी पत्नी रहस्यमय आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्य को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभस पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्या को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असमायिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांस शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्या रोड़का से प्यार करने लगता है, और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने कैन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए शर्ट समुंदर पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें सात समुंदर पार गीत जो कि काफ़ी हिट हुआ था और ये आज भी काफ़ी हिट है, आज भी लोग इसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्य और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम सूर्यरेड़का और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है, इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को जरूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने तीन मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिल तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और कैन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें एक साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज इस्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में कैन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। आज समुद्र पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहुत लोकप्रिय क्लब बबल्स डिस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमेटिस का पीछा मसाई मारा नेशनल वर्ल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य ओम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा, और मिमी वी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का 7वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका सबसे लोकप्रिय गीत सात समुंदर पार था, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था और साधना सरगम द्वारा गाया गया था। गीत पेट शॉप बॉयज गीत हॉट्स 1988 के एक नमूने का उपयोग करता है। सात समुंदर पार 20 साल बाद भी रेडियो स्टेशन और डिस्को थेप पर चौथमा विषय को एनगना के एलुहास से कॉपी किया जाता है, जिसमें केवल महिला को बिजु शाह के इनपुट के रूप में गुनगुनाया जाता है। इसमें पार्श गायक अमित कुमार और कुमार सानू,
नसरुद्दीन शाह के लिए अलका याग्निक, ज्योत्सना सिंह के लिए और साधना सरगम, दिव्या भारती के लिए, उदित नारायण चंगी पांडे के लिए, सपना मुखर्जी सोनम के लिए और मोहम्मद अजीज के लिए शुभताएँ हैं। ताकि फिल्म किक के लिए निर्माता साजिद नडियाडवाला ने गीत सात समुंदर के अधिकतर 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उन्होंने अपनी दिवंगत हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा या फिर नल उखाड़ने वाला सीन हो, सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के लगभग हर सीन पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। वो ये दौर था जब दर्शक सनी देओल की आने वाली फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे, क्योंकि जब जब सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ विलन पर पड़ता था तो फैंस को कुछ ज्यादा ही मजा आता था। सनी और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी, जिसने सिनेमाघरों में खूब गदर मचाई थी। उस फिल्म की सफलता का पैमाना इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, इस फिल्म की चर्चा रिलीज से पहले ही हो रही थी और जब सिनेमाघरों में लगी तो जो हुआ उससे कोई अनजान नहीं है। हालांकि इस बात की जानकारी कम ही लोगों को पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक रियल स्टोरी पर बनी फिल्म है। सनी देओल की यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा, जिसे अब तक म्यांमार कहा जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले एक फौजी जिसका नाम बूढ़ा सिंह है की कहानी है। बूढ़ा सिंह की सच्ची लव स्टोरी और बंटवारे की पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, मगर फिल्म का अंत असलियत में काफी अलग है। असली में बूढ़ा सिंह की पत्नी के घर वालों ने लड़की पर इतना दबाव डाला कि उसने हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बूढ़ा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिल्म गदर एक प्रेम कथा बनाने का आइडिया सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था और उन्होंने ही अनिल शर्मा को एक कहानी सुनाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने की ठान ली। चलिए इस फिल्म के बारे में एक और अनसुनी बात आपको बताते हैं, और वो ये है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार अंत में अमीषा पटेल को गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन शूटिंग के वक्त सनी देओल ने क्लाइमेक्स बदल दिया। जब इस बारे में सनी देओल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी में सकीना की गोली लगने से मौत होनी थी, मगर जब फिल्म की टीम ने इस बारे में सोचा तो लगा कि इस बात से दर्शक नाराज हो सकते हैं। हमें लगा कि कहीं लव स्टोरी के ऐसे अंत से गदर ही न मच जाए, इसलिए हमने फिल्म का अंत बदल कर हैप्पी एंडिंग कर दिया। वही फिल्म जितनी बेहतरीन और एंटरटेनिंग थी उतना ही इसका संगीत भी शानदार रहा। आनंद बख्शी के लिखे और उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने खूबसूरती से कंपोज किया। गदर एक प्रेम कथा के गाने इतने हिट हुए थे कि उस साल फिल्म के म्यूजिक की 25 लाख यूनिट बिकी थी। गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असली घटना से प्रेरित थी? आइए हम आपको बताते हैं बूटा सिंह की पूरी कहानी। बताया जाता है कि एक दिन बूटा सिंह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। वह लड़की दौड़ती भागती बूटा सिंह से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चढ़ पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और यह पता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मित्रता के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह ना कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर के मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा सिंह की मजार मौजूद है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसे एक नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान लेने चला गया बिना जरूरी कागजात के।
लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई थी ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी, लेकिन उन दोनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था, यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की, इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रूप रौद्र पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग ही छवि बना दी थी। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने से भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुचर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में थे। गदर में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी असल घटना से प्रेरित थी? जी हाँ, यह कहानी है बूटा सिंह और जैनब की और बात है सन 1947 की। यह वह समय था जब देश के बंटवारे की आग में जल रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। वह लड़की दौड़ती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों आगे चलकर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची भी होती है। हालांकि कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उसकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत में एक रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यही हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्दनाक मोड़ लेती है जब बूटा अपनी पत्नी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुंचता है और वह पाता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। बूटा की लाख मन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लौटने से मना कर देती है। जैनब के इस तरह न कहने से आहत बूटा लाहौर में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। आपको बता दें कि लाहौर में मियां साहिब कब्रिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है। 19 साल पहले न मल्टीप्लेक्स वाले सिनेमाघर होते थे और ना ही इतने सोच के जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले ही दिन देखना चाहे तो सबको टिकट मिल जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव का माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मैंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी। पहले शिला थिएटर में लगान देखी और फिर वहां से भागकर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाज्मा सिनेमाघर, जहां हमारी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक को जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी। जितने लोग सीट पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमाघर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था।
15 जून 2001 को रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ही हमारे आज के इस बायोस्कोप की फिल्म है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 19 साल पहले ही इतनी ही बेरहम हुआ करती थी। एक दिन फिल्म वितरक गिन्नी चड्ढा का फोन आया कि सनी देओल से शाम को मीटिंग फिक्स हुई है। मैं तब दिल्ली टाइम्स के लिए लिखने वाले पंकज कपूर साथ साथ सनी देओल की बहन के घर सैनिक फार्म पहुंचे। वहां देर तक हम लोगों ने गदर को लेकर बातें की। मुझसे सनी बोले, आपके मथुरा के अनिल शर्मा ही फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म की कहानी का भी इतना सा इशारा उन्होंने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है। यह फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है, में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बोटा सिंह की प्रेम कहानी पर। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर दोनों नए नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बोटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया बिना जरूरी कागजात के। लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसे वापस भारत आने से मना कर दिया गया। कहते हैं बोटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखन शक्तिमान को आया। शक्तिमान ने बोटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई। अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो लेकिन वह मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई एक कहानी। अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बीआर चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों काम किया। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने श्रद्धांजल और बंधन कच्चे धागों के रूप में सोशल ड्रामा ही बनाई है, लेकिन उनके एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत से। हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलान ए जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले शक्तिमान की कहानी सुनाई थी। गोविंदा को पसंद भी बहुत आई, लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे। ये हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं, हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह से फिल्म बनी और बहुत अच्छी बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म एक गदर प्रेम कथा के अंत में बोटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म में हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं, फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंक को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। फिल्म गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सनी देओल का किरदार तारा सिंह और उसके संवाद इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि फिर लोग सनी देओल को इसी तरह से गुस्सैल किरदार में ही देखना चाहते थे। खुद सनी देओल कहते हैं, फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी इस फिल्म से। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया था। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्म के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही उनके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा था उसने मेरी एक अलग छवि ही बना ली। इस फिल्म से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने करने में भी कामयाबी पाई। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ चीर कर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। फिल्म का संगीत भी अपने समय में बहुत ज़्यादा हिट हुआ। आनंद बख्शी ने दिल खोल कर इसके गाने लिखे और उतना ही झूम के इसका संगीत बनाया। उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने इस फिल्म से पहले उत्तम सिंह यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है का संगीत दे चुके थे। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म बिरजारा शायद आपने देखी होगी।
फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहाँ वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी बेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुसरतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है पर आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको बीरजारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म बीरजारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहां आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर बीरजारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज वाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था।
कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। बीरजारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रिटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे बीरजारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जिन्हें दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म बीरजारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। बीरजारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, बीरजारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुद किस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के बीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों को मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएँ और बंदिशों से निकल कर प्यार अपने मुकाम तक पहुँचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज वाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म बीरजारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, बीरजारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर CEO काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज़ से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि बीरजारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक बीरजारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, बीरजारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे, तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे, हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली
और उन्होंने काफी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदि चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगनीस ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल तोड़ता है की एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपने पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं, यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी, और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब बीरजारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि बीरजारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन धुनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म बीरजारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कलजी रोमांटिक फिल्में बीरजारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में बीरजारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, बीरजारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नजरिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि यश चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप यश चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहां सभी को बर्बरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी बीरजारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। बीरजारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अदिति माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे बीरजारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मौनो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए एक से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बीरजारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस जारा को अपने बीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है।
दहलपुर किए जा रहा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और मैं दोबारा समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहता हूँ। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की जारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब जारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर जारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें जारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर जारा को अपने बाऊजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर जारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। जारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर जारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो राजा उन्हें वहां मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो राजा के सामने जारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जारा राजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर जारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में जारा के पिता को वीर के अचानक आने से और जारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर जारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। जारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन राजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्जाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद समया सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। समया भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें जारा मिलती है, जो कई साल से सब्बो के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे, उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। सामया उन्हें सच्चाई बताती है और वो सामया के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और जारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। पंजाब की चनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई सोहनी। कुमार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे जाकर महिवाल कहलाया। इन दोनों के इश्क के किस्से पंजाब ही नहीं सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में उसका दिल नहीं लगा तो वह लाहौर चला गया। वहाँ भी जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह घर लौटने लगा। रास्ते में वह गुजरात में एक जगह रुककर तुला के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माफिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग माहिवाल कहलाने लगा। माहिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो वह उसने सोहनी को फटकारा जब सोहनी की माँ को यह बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी माहिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने यह भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सोहनी की मां ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। उसकी शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर माहिवाल ने अपने खूने दिल से लिखा खत सोहनी को भिजवाया। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर माहिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकात होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती है और दोनों घंटों प्रेममग्न होकर बैठे रहते हैं।
इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदल गया है, फिर भी वह अपने प्रियजन से मिलने की झलक में वह कच्चा घड़ा लेकर चनाव में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा टूट गया और वह पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया, उसकी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चनाव की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्होंने अपने जाल में सोहनी महिवाल के अवध जिस्म मिले, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा है उनकी अमर मोहब्बत। कहानी की हीरोइन सोहनी नाखुशी से उस इंसान से शादी कर लेती है जिसे वह नहीं चाहती थी। इसलिए वह हर रात मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पर तैरती है, जहां उसका प्रिय भैंसों के झुंड को चरा रहा था। लेकिन एक रात उसकी भाभी ने मिट्टी कर बर्तन को पानी में घुलने वाले बर्तन में बदल दिया, और जब सोहनी उस रात तैरने गई तब वह बर्तन पानी में घुल गया और महिवाल उसमें डूब कर मर गई। यह कहानी हमें साहस, जो रिसालों और सिंध की मुख्य सात प्रसिद्ध दुखद प्रेम कहानियों में भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में मुगल के बाद का समय, एक सुंदर कन्या सोहनी का जन्म तुल्ला नाम के कुम्हार के घर हुआ। वह कुम्हार जाति के थे और गुजरात पंजाब में रहते थे। उस समय गुजरात की चिनाब नदी बखरा और दिल्ली के व्यापारी रास्ते के बीच में आ जाती थी, जहां मुसाफिरों का कारवां रुकता था। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े उनके पास आते थे, वैसे वैसे सोहनी उन पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां निकालती थी और उन्हें बेचने के लिए तैयार रहती थी। बुखरा उज्बेकिस्तान एक समृद्ध और अमीर व्यापारी शहजादा इज्जत बैग व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया था और गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में रुका था, जहां पर उसने सोहनी को एक दुकान में देखा और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। इसके बाद केवल सोहनी की एक झलक पाने के लिए वह रोज सोहनी द्वारा सजाए गए मटके खरीदने आया करता था। सोहनी का दिल भी इज्जत बैग पर आ गया था। अपने कारवा के साथ बुखारा वापस जाने की बजाय इज्जत बैग ने तुल्ला के ही घर में नौकर बनकर काम करने की ठान ली। बल्कि इज्जत बैग तुल्ला की भैंसों को चराने के लिए भी जाया करता था, और तभी से कुछ समय बाद वह महिवाल के नाम से जाना जाने लगा। सोहनी और महिवाल का प्यार भी कुम्हार समुदायों में खलबली का कारण बना था। उस समय कुम्हार समाज के लोग या नहीं चाहते थे कि उनके समाज की बेटी किसी दूसरे समाज के लड़के से विवाह करे, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत सोहनी का विवाह एक दूसरे कुम्हार के साथ तय कर दिया था। बारात के दिन जब कुम्हार घर पर आया था, सोहनी पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी और डोली में बिठा कर सोहनी को अपने पति के घर भेजा गया था। इसके बाद इज्जत बैग ने अपनी पहचान बदल ली थी और एक फकीर की तरह रहने लगा था। अचानक वह सोहनी के नए घर के पास चेनाब नदी के पास ही छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। अंधेरी रात में जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब ये दोनों प्रेमी नदी के किनारे एक दूसरे से मिलते थे। इज्जत नदी के किनारे सोहनी से मिलने आया करता था और सोहनी मिट्टी के बर्तन की सहायता से तैरकर नदी किनारे पहुंचती थी। इज्जत रोज मछलियां पकड़ता था और सोहनी के लिए लाया करता था। एक समय की बात है, कहा जाता है कि एक बार ज्यादा लहरों की वजह से इज्जत बैग मछली को पकड़ने में असफल रहा था। तब महिवाल ने अपनी जांघ का ही एक टुकड़ा काटकर उसे भुना दिया था। सोहनी को पहले इस बारे में जरा भी पता नहीं था, इसलिए फिर सोहनी ने इज्जत को बताया कि आज मछली के स्वाद में जरा फर्क लग रहा है। और जब सोहनी ने अपना एक हाथ उसके पैर पर रखा, तब सोहनी को एहसास हुआ कि महिवाल ने उसके लिए अपनी जांघ पर घाव मारा है, और यह बात उन दोनों के प्यार की गहराई को दर्शाती है। इस प्रकार उसकी परम कहानी के चर्चे जगह जगह फैलते गए थे। एक दिन सोहनी की भाभी ने उसका पीछा किया और उस जगह छुप गई जहां सोहनी अपना पानी पर तैरने वाला बर्तन रखती थी। सोहनी को ऐसा करते हुए देखते ही उसने सोहनी की सासू जी को यह बात बताई, और दोनों ने मिलकर यह बात महिवाल को बताने के बजाय खुद ही इस बात पर निर्णय लेने की ठानी। अगले दिन सोहनी की भाभी ने तैरने वाले मिट्टी के बर्तन को बदलकर वहां डूबने वाला बर्तन रख दिया। उस रात जब सोहनी मिट्टी के बर्तन के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, तब वह बर्तन उस रात पानी में घुल गया और इस वजह से सोहनी पानी में डूब गई। नदी की दूसरी तरफ से महिवाल ने सोहनी को डूबता हुआ देखा और सोहनी को बचाने के लिए महिवाल भी पानी में कूद गए थे, और इस तरह से दोनों प्रेमी एक साथ मौत में मिल गए।
इस कहानी का थोड़ा सा अलग रूप हमें इसके सिंध वर्जन में देखने को मिलता है, जहां माना गया है कि सोहनी जाट समुदाय से रिश्ता रखते थे और इंडस नदी के पश्चिमी तट पर रहते थे। कहा जाता है कि सोहनी और मेहर के प्यार की शुरुआत तब हुई थी जब वह एक विवाह समारोह में मेहर ने सोहनी को दूध पिलाया था। जानकारों के अनुसार पाकिस्तान के हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर सिंध के सहदपुर में इंडस नदी के किनारे से सोहनी और महिवाल के शवों को निकाला गया था और बाद में सोहनी की कब्र को सदहपुर में शाहपुर चाकर रोड पर बनवाया गया था, जिसे लाखों प्रेमी युगल हर साल देखने के लिए आते हैं। सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध प्रेम कहानी को फजल शाह सैयद ने पंजाबी कविता बनाकर भी समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने हीर रांझा लैला मजनू और दूसरे प्रसिद्ध प्रेमी युगलों पर भी कविताएँ बनाई है। सोहनी महिवाल की तर्ज पर वर्तमान में बहुत से गाने भी बने हैं, जिनमें पठानी खान का प्रसिद्ध गाना सोहनी गहरे नू मेनू यार मिला गदया भी शामिल है। इसके बाद आलम लोहार ने अपने गानों के माध्यम से सोहनी महिवाल की प्रेम कथा को बताया और वह ऐसे पहले गायक भी बने जिन्होंने गानों के माध्यम से उसकी प्रेम कहानी को लोगों के सामने रखा। पाकिस्तानी पॉप बैंड नूरी का गाना दोबारा फिर से असल में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी पर ही आधारित है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट शोभा सिंह द्वारा सोहनी महिवाल की बहुत सी तस्वीरें पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। पंजाब राज्य में हमें सोहनी महिवाल की कहानियों के फोक वर्जन भी दिखाई देते हैं। 4 हिंदी फिल्म वर्जन जिनका नाम सोहनी महिवाल की कहानी के आधार पर रखा गया है, 1933 में गौहर नरगटी मास्टर, चेनार शिवरानी और मास्टर क्रांत। दोस्तों आज हम बात करेंगे गदर मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रोचक जानकारियां जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन केनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इसमें संगीत दिया था उत्तम सिंह ने। मूवी 186 मिनट की थी और भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे थे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दूसरी फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपये की कमाई की थी। अगर बात करें कहानी की तो ये तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीश पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगा फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करते रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों से मिलता है तो वे लोग उसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता है कि वो कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उसे अपने घर में ले आता है और उसे किसी तरह उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी की भी मौत हो गई है। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं। जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी वो अब भी जिंदा हैं। वह अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करते हैं और वो उनके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहाँ जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है। वे लोग उस जगह पर आ जाते हैं
और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 साल रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वह दोनों शर्त मान लेता है। उसके बाद वह तारा से अपने देश का अपमान करने को कहता है ताकि पता चल सके कि वह सच्चा पाकिस्तानी है या नहीं। तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर में उसे मारने वाला होता है, उसे मार देता है। वह तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिल जाती है जो भारत जाने वाली होती है। वे लोग उसी ट्रेन में बैठकर जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी संगीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत उत्तम सिंह द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मैं निकला गड्ढी लेके, जिसके गायक थे उदय नारायण। दूसरा सॉन्ग था उड़ जा काले कौवा, जिसे गाया था उदय नारायण ने। तीसरा सॉन्ग था आन मिलो सजना, जिसे गाया था आजाद चक्रवर्ती और परवीन सुल्तान ने। चौथा सॉन्ग था मुसाफिर जाने वाले, जिसे गाया था उदय नारायण और प्रीति उत्तम सिंह ने। पाँचवा सॉन्ग था पारंपरिक शादी गीत, जिसे गाया था प्रीति उत्तम सिंह ने। छठा सॉन्ग था उड़ जा काले कौवे शादी में, जो कि था इसे गाया था उदय नारायण और अलका याग्निक ने। हम जुदा हो गए, जिसे गाया था प्रीति सिंह और उदय नारायण ने। इस तरह कुल साउंड ट्रैक जो था वो था 38 मिनट 15 सेकंड का। अगर बात करें पुरस्कार और नामांकन की, फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड अमीषा पटेल को दिया गया था। संसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। वार्षिक फिल्म गोर्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अमीषा पटेल को दिया गया था। संसुई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी सिने विशेष पुरस्कार पुरुष सनी देओल को दिया गया था। स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल को मनोनीत किया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नीति केनी को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार उत्तम सिंह को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार अनंत बच्ची को दिया गया था। फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड्स अमरीश पुरी को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्लैक पुरस्कार उदय नारायण को दिया गया था। IIFA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार अनिल शर्मा को दिया गया था। IIF सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अमीषा पटेल को दिया गया था। IIF सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सनी देओल को दिया गया था। स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नितिन केनी को दिया गया था। इसी तरह बहुत सारे अवार्ड इस मूवी ने जीते थे। फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। जी हाँ, कम लोगों को ही पता है कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्मा यानी अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। बाद में लड़की की निशा खत्म होने पर उसे नए नए बने पाकिस्तान भेज दिया जाता है। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला जाता है। बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ता है। उसे वापस भारत आने से मना कर दिया जाता है। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैला रही थी। ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह कहानी सुनी थी। सनी देओल बताते हैं कि हाँ, ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल, मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्में इतनी थी कि इस फिल्म के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह फिल्म बनी और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मार जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया।
सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने के बाद सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने अपने में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत करने का फैसला किया। सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज़्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर नजर आया था। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिससे हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छाप बना ली थी। इस छाप से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार मैंने करने से भी कामयाबी पाई थी। फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सबसे इमोशनल सीन भी एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आता है, जब तारा सिंह तलवार से अपना हाथ खींचकर सकीना के मांग में सिंदूर भर देता है। अमीषा पटेल का सकीना बेगम के तौर पर चयन होने से पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड्स फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म के संवादों के लिए ट्रेनिंग चली थी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट या रॉन्ग मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी। तो आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ज़्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती, उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा को पिक कर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में ज़बरदस्त घुमाव आता है। नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वे क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। अगर वह फिल्म के मध्यांतर के पूर्व हिस्से को भी बेहतर लिख लेते तो यह एक उम्दा फिल्म बन सकती थी। सनी देओल के अभिनय का स्तर एक जैसा नहीं रहा। कुछ दरअसल उन्होंने बेमन से किए, मानो उन्हें कोई रुचि ही नहीं है। बैक प्रॉब्लम के कारण वे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और थुलथुले हो गए हैं। लूज शर्ट टी शर्ट पहनकर उन्होंने मोटापे को छिपाने की कोशिश की थी। इरफान खान सशक्त तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उन्हें ज़्यादा मौके दिए जाने थे। कोंकड़ा सेन जो रोल निभाया है वो उनके लायक नहीं था। सनी और उनके रिश्ते को भी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ईशा कोप्पिकर और अन्य कलाकारों का अभिनय औसत है। फिल्म के म्यूजिक के बारे में बात करना बेकार है। बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी औसत है। आइए जानते हैं राइट या रॉन्ग की फुल स्टोरी। अजय श्रीधर यानी सनी देओल और विनय पटनायक यानी इरफान खान दोनों ही अच्छे दोस्त रहते हैं। दोनों पुलिस में रहते हैं और साथ में अपराधियों को पकड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही अपराधियों को पकड़ते समय दुर्घटना में अजय जख्मी हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि वह अब चल नहीं सकता। इसके बाद वह पुलिस से सेवानिवृत्त हो जाता है। कुछ दिनों बाद यह पता चलता है कि उसने अपने भाई और पत्नी को गोली मार दिया। इस पर अजय बोलता है कि उसे लगा था कि रात को कोई चोर आया और उससे बचने के लिए उसने गोली चला दी थी। उसका दोस्त इस बात को नहीं मानता है और अपने ही दोस्त के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। उसे कई सबूत भी मिल जाते हैं जिससे वह न्यायालय में इस मामले को ले जाता है। लेकिन राधिका पटनायक यानी कोंकड़ा सेन शर्मा को अजय के ऊपर भरोसा रहता है कि वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसके बाद विनय अदालत में अजय के खिलाफ कई सबूत पेश करता है और राधिका भी उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कई सबूत पेश करती है। इसके बाद विनय उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन द्वारा जाँच के लिए बोलता है और उसमें भी यही सामने आता है कि अजय निर्दोष है। न्यायालय उसे इस मामले से बाहर कर देती है।
इसके बाद विनय को अपनी का एहसास होता है। वह अजय से क्षमा मांगता है। अजय उसे एक चिट्ठी दे देता है और दूसरे देश के लिए हवाई जहाज के ओर जाते रहता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि उसने ही अपनी पत्नी और भाई को मारा था, लेकिन अपने बच्चे के मोह के कारण वह अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकता है। उसने इसके बाद लिखा कि वह जब चलने लगा तो वह अपने परिवार को यह सुसमाचार देने घर में बिना किसी को बताए ही आ गया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और भाई एक ही बिस्तर में बिना कपड़ों के लेटे हुए थे और उससे आज़ादी पाने की योजना बना रहे थे। उसके बाद वह उन दोनों को आज़ादी देने के लिए अपने आप को ही मारने वाला था कि उसके बच्चे का चेहरा उसके सामने आ गया और वह रुक गया। इसके बाद उसने उन दोनों को मिलाकर एक योजना बनाई जिससे उन दोनों को बीमा का पैसा मिल सके। वह दोनों पहले उसे मारने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में दोनों ही तैयार हो गए। उसके तहत उन दोनों को एक स्थान से बंदूक खरीदना था और फिल्म देखने के नाम पर एक स्थान पर जाके कुछ ही समय में वापस घर में आना था। जैसे ही वह दोनों घर आते हैं, अजय दोनों को एक एक करके मार देता है। विनय पूरी तरह से चिट्ठी पढ़ने के बाद सोचता है कि क्या यह सही है या गलत, और उसके बाद वह अजय को जाने देता है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें सनी देओल अजय श्रीधर का रोल निभा रहे हैं, इरफान खान विनय पाठक का रोल निभा रहे हैं, ईशा कोप्पिकर अंशिता अंशु श्रीधर का रोल निभा रहे हैं। इस मूवी के निर्माता हैं नीरज पाठक, कृष्णन चौधरी। इसके निर्देशक हैं नीरज पाठक। इसमें संगीत दिया है मोंटी शर्मा ने। इसके कलाकार हैं सनी देओल, ईशा कोप्पिकर, इरफान खान, कोंकड़ा सेन शर्मा, किरण खेर, दीपल शाह, गोविंद नामदेव। राइटर रॉन्ग की कहानी दो पुलिस वालों अजय सिंह यानी सनी देओल और एसीपी राड यानी इरफान खान के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्वता है जो उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई आरंभ कर देती है। अजय की पत्नी ईशा कोप्पिकर की हत्या हो जाती है। शक की सुई अजय की ओर इशारा करती है और उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब मामले की जांच का जिम्मा राड़े को सौंपा जाता है। विद्या यानी कोंकड़ा सेन शर्मा राड़े की छोटी बहन है और मुसीबत में फंसे अजय की मदद करने वाली एकमात्र शख्स है। अजय और राड़े की लड़ाई तेज हो जाती है। इस मामले की छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, लेकिन राज नहीं खुल पाता। यह खेल दिमाग से खेला जा रहा है। तेजी से भागती इस थ्रिलर फिल्म में क्या राइट है और क्या रॉन्ग, इसका फैसला दर्शकों को करना होगा। राइट या रॉन्ग इज ए 2010 इंडियन क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्टेड बाय नीरज पाठक, स्टारिंग सनी देओल एंड इरफान खान इज द लीड रोल्स। द फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑन द पुलिस ऑफिसर ऑफ इंडिया हु लेटर बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग रिबेल। इट ऑल्सो स्टार कोनिका सेन शर्मा, ईशा कोप्पिकर, आर्यन वैद एंड गोविंदा नायडू। The film was shot in Film City and released on March 12, 2010 under the banner of Eros Now. The film has almost similar plot points to the 1995 Hollywood film Above Suspense 1995 film. Directed by Neeraj Pathak, produced by Neeraj Pathak, Krishna Chaudhary. Screenplay by Neeraj Pathak, Sanjay Chauhan. Story by Neeraj Pathak, starring Sunny Deol, Irfan Khan, Konika Sen Sharma, Isha Kopikar, R.N. Vaid. म्यूजिक बाय मोंटी शर्मा, सिनेमाटोग्राफी बाय रवि वलिया, एडिटिंग बाय अशफाक मैकरानी, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अकुन पिक्चर पीडीज लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, रिलीज डेट March 12, 2010, रनिंग टाइम 135 मिनट, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। द फिल्म हैव रिसीव्ड मिक्सड रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स। मलयालम शेखर ऑफ हिंदुस्तान टाइम एंड रिव्यू मैसेड ऑफ IVN हैव पिनड द मूवी। Well, Nikhat Khazmi was Times of India and Train Others of DNA rated is above average. The film reviews have overall rating of 5/10. As of 28 March 2010, it was the surprise hit of the year even though IPL was going on. Thank you so much for watching this video. कई बार ज़्यादा उम्मीदों के साथ फिल्म देखी जाए तो पसंद नहीं आती, उसी तरह कई फिल्में तब अच्छी लगती हैं जब उम्मीद कम हो। राइट या रॉन्ग इसी कैटेगरी में आती है। फिल्म पर थोड़ी मेहनत की जाती तो यह एक बेहतरीन फिल्म बन सकती थी, लेकिन इसके बावजूद यह निराश नहीं करती। कहानी है अजय यानी सनी देओल की, जो पुलिस ऑफिसर है। वह अपनी पत्नी यानी ईशा कोप्पिकर और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। अजय को गोली लग जाती है और शरीर का निचला हिस्सा लकवे का शिकार हो जाता है। व्हील चेयर पर बैठकर अजय जीना नहीं चाहता। वह अपनी पत्नी और भाई को कहता है कि वो उसे मार दे। वह एक प्लान बनाता है जिससे लगता है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई है। इसके बाद कहानी में जबरदस्त घुमाव आता है।
नीरज पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शुरुआत की कुछ रील्स बेहद बोर और उबाऊ हैं। समझ में ही नहीं आता कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। इस हिस्से में कुछ गानों को भी बेवजह ठूंसा गया है जिनका कोई मतलब नहीं है। कुछ सीन सनी और इरफान के बीच शादी को लेकर बातचीत बड़े बोरिंग हैं। फिल्म में पकड़ तब आती है जब सनी देओल अपने आप को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम घटते हैं और फिल्म एक थ्रिलर में बदल जाती है। अपराधी सामने है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस हिस्से में इरफान के रोल को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और ये भी एक कारण है कि फिल्म में रुचि पैदा होती है। नीरज पाठक ने फिल्म को लिखा भी है। उनके लेखन में कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ करने से फिल्म का सस्पेंस खुल सकता है। दोस्तों, वैसे तो विश्वात्मा मूवी को हम YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये मूवी अभी भी पैसे लेकर दिखाई जा रही है। दोस्तों, मूवी बहुत अच्छी थी, आप इसे जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले आप इसे पैसा देकर खरीद ले, आइए जानते हैं मूवी कितनी अच्छी है और कितनी खराब। दोस्तों, विश्वात्मा मूवी 1992 में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया है। इसमें स्टारिंग है सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और चकी पांडे, सोनम एंड दिव्या भारती। ये सारे के सारे मंझे हुए कलाकार हैं। दोस्तों, इसका म्यूजिक भी सक्सेसफुल रहा था और यह मूवी भी हिट हुई थी। इसमें म्यूजिक दिया था बिजू शाह ने। यह मूवी 24 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। यह मूवी 181 मिनट की है जो कि लगभग 3 घंटे की मूवी है। यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, इस मूवी में प्रभास सिंह यानी सनी देओल एक ईमानदार और समर्पित पुलिस अधिकारी है, लेकिन उसके पास आमतौर पर अपने परिवार के लिए समय नहीं होता है और इस वजह से उसके पिता लगातार उसके साथ लॉगहेड्स में रहते हैं। प्रभात के पिता शांति में विश्वास करते हैं और अपने देश में रक्तपात आंशिक का विरोध करते हैं। प्रभात को अब सबसे खूंखार अपराध लॉर्ड अजगर जुर्रत यानी अमरीश पुरी को पकड़ने के लिए मिशन पर रखा गया है जो वर्तमान में कैनडा में रहता है लेकिन भारत में काम करता है। जब प्रभात एक मुठभेड़ में अजगर के भाई को मार देता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। एक नाराज अजगर ने प्रभात के युवा स्कूल जाने वाले भाई का अपहरण और हत्या कर देता है। प्रभात का परिवार तबाह हो जाता है और उसके पिता ने उसे उसके भाई की मौत के लिए दोषी ठहराया है और उसे अपने संकट को दिखाने के लिए प्रभात के पिता ने उसे परिवार से निकाल देता है। प्रभात अपने पिता के मना करने के बाद भारत के एक दूर के गांव में एक सुदूर कोने में चला जाता है। इस बीच अजगर का एक आदमी श्री मदन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे पुलिस ASP में बदल देने की धमकी देता है। गिरफ्तारी वारंट के डर से अजगर ने मदन भरद्वाज मंगल ढिल्लो को उसकी शादी की रात में मार डालता है। उसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार करता है जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद अजगर के बेटे ने मदन की पत्नी के साथ बलात्कार किया जिसके बाद वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस प्रकार मदन का भाई आकाश भरद्वाज यानी चक्की पांडे अजगर से बदला लेने की कसम खाता है। बाद में अजगर केन्या भाग गया और अदालत में उसे अजमाने के लिए उसे वापस भारत लाना लगभग असंभव है, इसलिए पुलिस कमिश्नर दिलीप ताहिल प्रभात से संपर्क करने का फैसला करते हैं क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को प्राप्त कर सकता है। स्थिति की आवश्यकता मदन की हत्या आदि को देखने के बाद प्रभात के पिता ने भी अपना मन बदल लिया और प्रभात की अवज्ञा के लिए माफी मांगने का फैसला करते हैं और संशोधन के लिए वह प्रभात को मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अजगर को पकड़ने के लिए मिशन पर दोबारा से लौट आए। प्रभात मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है लेकिन जोर देता है कि आकाश भी उसके साथ शामिल हो जाए जिससे आकाश सहमत होता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और अगली फ्लाइट को कन्या ले जाते हैं। कन्या में मदन की भाभी रेणुका यानी सोनम को ढूंढते हैं जो उसी गुप्त मिशन पर भी है, इसलिए वह उन्हें अजगर के पास जाने में मदद करती है और उन्हें अपने ठिकाने पर कुछ और जानकारी प्रदान करती है। वह उन्हें बताती है कि यहाँ अजगर केन्या में एक सम्मानित नागरिक है इसलिए उसे पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभात और आकाश एक ईमानदार पुलिस वाले सूर्य प्रताप यानी नसीरुद्दीन शाह की मदद से अजगर की तलाश करते हैं। सूर्य पहले तो अजगर को सलाखों के पीछे डालने से हिचक रहा है लेकिन फिर लड़का ने अपनी पत्नी रहस्यमय
आत्महत्या के पीछे की सच्चाई से सूर्या को अवगत कराती है। उसकी पत्नी ने अजगर के मूर्ख और विभस पुत्र के अलावा किसी और के कारण आत्महत्या नहीं की थी, जिसने उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब सूर्या को पता चलता है कि उसकी पत्नी की असमायिक और दुखद मौत के पीछे अजगर का कारण था, तो वह अजगर का सामना करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। प्रभात और आकाश ने सूर्य को बचाया और तीनों एक एक कर अजगर और उसकी टीम को पकड़ने के मिशन में हाथ मिलाते हैं। अंत में मिशन सफल होता है और रोमांस शुरू होता है। आकाश को अजगर की बेटी सोनिया यानी ज्योत्सना सिंह से प्यार हो जाता है और सूर्या रोड़का से प्यार करने लगता है और उसी समय पर जानकारी और आश्चर्यजनक मदद के लिए आभारी हो जाता है। प्रभात उस भारतीय लड़की से मिलता है जिसे वह भारत में अपने गृह नगर में मिला था, जिसने कन्या कुमुद यानी दिव्या भारती तक उसका पीछा किया था। उसे नाइट क्लब में प्रभात के लिए शर्ट समुंदर पार गीत गाया था। दोस्तों, इसमें सात समुंदर पार गीत जो कि काफ़ी हिट हुआ था और ये आज भी काफ़ी हिट है, आज भी लोग इसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। प्रभात आखिरकार अपने दोस्तों सूर्या और आकाश के पकड़े गए अपराधी अजगर के साथ भारत लौट आता है। जोड़े प्रभात कुसुम सूर्यरेड़का और आकाश सोनिया अंत में एकजुट होकर खुशी मनाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की हुई कहानी है। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इस कहानी को ज़रूर समझे होंगे। फिलहाल अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो अपनी 1989 की फिल्म त्रिदेव की मेगा सफलता के बाद राजीव राय ने तीन मुख्य लीड के साथ एक और एक्शन थ्रिल तैयार करने का फैसला किया और इस तरह विश्वात्मा की कल्पना की गई थी। राय ने स्थल परिवर्तन के लिए जाने का फैसला किया और केन्या में फिल्म के अधिकांश हिस्सों की योजना बनाई। वह त्रिदेव यानी सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह और जैकी श्रॉफ के रूप में एक ही पुरुष की भूमिका निभाना चाहते थे। हालांकि जैकी के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ था और उनके ज्योतिष ने उन्हें एक साल के लिए विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। इस प्रकार राय ने एक व्यक्तिगत मित्र सुनील शेट्टी को लॉन्च करने पर विचार करने के बाद श्रॉफ के बजाय चकी पांडे को लीड करने के लिए चुना था। राय ने त्रिदेव के कई कलाकारों का भी पुनः उपयोग किया, जिसमें मुख्य खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और माध्यमिक खलनायक के रूप में राजा मुराद, दिलीप ताहिल, तेज स्प्रो और दान धनोवा शामिल थे। एक मुख्य अंतर यह है कि जबकि भरत सक्सेना ने त्रिदेव में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, इस फिल्म में कन्या पुलिस के सख्त लेकिन एक अभिनेता के रूप में उनकी सकारात्मकता भूमिका थी। आज समुद्र पार गीत उन दिनों नैरोबी के एक बहुत लोकप्रिय क्लब बबल्स डिस्केथो में फिल्माया गया था। क्लाइमेटिस का पीछा मसाई मारा नेशनल वर्ल्ड लाइफ रिजर्व के खुले मैदानों पर किया गया था। समुद्र तट के कई दृश्य ओम्बासा के विभिन्न समुद्र तटों और समुद्र तट के होटलों में शूट किए गए थे। फिल्म अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों और शब्दों को भी शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो जमरीसाना और मिमिनी नुकवासना। अपने संवाद में कई स्वाहिली वाक्यांशों के शब्दों को शामिल करती है, जैसे कि जैम्बो जिसका मतलब होता है हेलो, मंजूरी सना जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा, और मिमी वी कुनवासना जिसका मतलब होता है मैं बहुत बड़ा महान हूँ। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की तो त्रिदेव के संगीत की सफलता के बाद सभी को उम्मीद थी कि बिजू शाह इस फिल्म के साथ जादू करेंगे। साउंड ट्रैक को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था, 2 मिलियन यूनिट बेचकर और वर्ष का सातवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बना था। इसका